you. Yeah. So Armaan aaj aap logon ko apne concert ke through aware karne wale hain uske bare mein sabse pehle jaane kis tarike ke. Actually ye concert bahut special hai. Obviously hum immediately koi change nahi leke aa sakte, lekin ye ek step hai towards a change. एंड अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई नहीं तो कोई चेंज होगा नहीं, हो नहीं पाएगा हमारे कंट्री में. एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि आप देख चुके हो दिल्ली में, बॉम्बे में, एक्चुअली हर जगह इंडिया में काफ़ी ऐसे एक्ट हो चुके हैं जो लड़कियों के अगेंस्ट है बहुत. एंड हम सब एक साथ आए हैं ऐसे प्लेटफॉर्म में क्योंकि कॉन्सर्ट के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए एक ऐसा मैसेज ऑलवेज़ हम दे सकते हैं सोसाइटी को कि ये बहुत ही यू नो घिनौना एक्ट है एंड इसे बंद करना चाहिए. एंड क्योंकि हम सब इक्वल्स हैं, मेन एंड वुमेन आर ऑल इक्वल. एंड बस इसी को हम अपहोल्ड करना चाहते हैं थ्रू दिस कॉन्सर्ट. एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि हम सब एक साथ आए हैं म्यूज़िक के ज़रिए टू गिव दिस मैसेज टू ऑल द पीपल. जी एक्चुअली क्योंकि हमारे फैंस आए हैं इस कॉन्सर्ट में, वी वुड लव टू सिंग द सॉन्ग्स जो उन्हें पसंद है. लेकिन हर एक गाने के बीच में मैं ऑलवेज एक मैसेज दूंगा क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं है, यहां पे एक मैसेज भी दिया जा रहा है. तो मैं अपने दिल की बात करूँगा काफ़ी अपने फैंस के साथ. एंड ऑल्सो जो मैं इस बारे में, इस जो ये जो टॉपिक है इसके बारे में जो मुझे फील होता है, मैं वो वॉइस करूँगा. ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ, मतलब ऐसा ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना, क्योंकि बहुत टाइम था एक्चुअली. मतलब हम सबको ऐसा लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए लेकिन हमें राइट जरिया नहीं मिला. तो आई थिंक ये जो कॉन्सर्ट है ललकार कॉन्सर्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं अपनी जो आवाज़ है, जो मैं सोचता हूँ इस बारे में, वो मैं कह सकता हूँ. अरमान आपके फैंस अंदर तो है ही, लेकिन कुछ फैंस ऐसे जो हमारे थ्रू आपको देखेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे उनके लिए, अगर कोई एक गाना गा के आप मैसेज देंगे? मेरे फैंस जो मेरे कॉन्सर्ट पे भी आते हैं, मैंने काफ़ी मेरे कॉन्सर्ट्स पे भी देखे हैं कि काफ़ी लड़कियों के साथ मिसबिहेवियर होता है हमारे कॉन्सर्ट्स पे भी. एंड ऑब्वियसली एक हद तक हम लोग कुछ कह सकते हैं लेकिन ऐसा बिहेवियर होना नहीं चाहिए सबसे पहले. तो बस यही कहना चाहता हूँ एट ऑल द कॉन्सर्ट्स एंड ऑल द फैंस जो भी हमारे कॉन्सर्ट्स में आते, दैट आप तो सब प्रिकॉशन ले सकते हो लेकिन आई एम स्ट्राइविंग टू कीप माई कॉन्सर्ट सेफ. एंड आई विल ऑल्सो ऑब्वियसली ऑल द आर्टिस्ट जो भी है हमारे साथ, हम सब यही कोशिश करेंगे जो भी कॉन्सर्ट्स है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग है ज़्यादा, वहाँ पे हम हर एक कॉन्सर्ट को जितना सेफ हो सके उतना रख सकें. एंड गाना तो मैं अंदर गाऊँगा, अभी नहीं गाना चाहता. I'm so sorry. Thank you so much. Lots of love. Yes. Excitement nazar aa rahi hai aur expectations ka to main nahi keh sakta. Mujhe bahut khushi hai ki jo jin jin logo ko, matlab ye ek free concert hai, hum chahte the ki log matlab bilkul matlab badi tadad mein aaye aur कुछ ही मतलब घंटों में हमें पता चल जाएगा कि जो सोशल मीडिया पे है कितने लोग देख रहे हैं. तो उम्मीद तो यही करेंगे कि बहुत से लोग इस कॉज से जुड़े, इस इनिशिएटिव से जुड़े. और ये तो शुरुआत है, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होने बाकी हैं. तो वे वेरी हैप्पी दैट वी हैव स्टार्टेड इट ऑफ इन अ वेरी ओन मुंबई. बिल्कुल हाँ, क्योंकि वायलेंस एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो मतलब उम्र को देख कर किसी को इफेक्ट नहीं करती. वो बूढ़े हों, बच्चे हों, या मतलब जवान लोग हों, सभी के साथ मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए. तो ये अच्छी बात है कि मतलब हर उम्र के लोग यहाँ पर आए हैं इस कॉज से जुड़ने के. सॉरी वंस, सॉरी. वेल मतलब कॉन्सर्ट में मैसेजिंग है और ये आज जो एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, वो हमने एक कॉन्टेस्ट किया था कॉलेजेस में और मतलब बहुत सारी एंट्रीज हमें आए स्टूडेंट्स के कि वो 2 मिनट के शॉर्ट फिल्म बनाएं विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अ मैसेज अबाउट एंडिंग वायलेंस. तो आज उन विनर्स का अनाउंसमेंट भी होगा और इसी तरह मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा ये पहला साल है तो और सोचना भी पड़ेगा कि मतलब और कैसी चीज़ें हो सकती हैं आगे बढ़ते हुए. लेकिन हम चाहेंगे कि जो ज़रूरी बात है वो ये है कि सिर्फ ये शहरों में सीमित ना हो, हम चाहेंगे कि छोटे शहरों में, गांव में जाए.
तो ऐसा नहीं लगे कि मतलब ये कुछ ज़्यादा एक एलिटिस टाइप ऑफ मूवमेंट है, चाहेंगे कि रीजनल लोग इसके साथ जुड़ें, अलग अलग भाषाओं में इस कॉन्सर्ट का मतलब एक का को पेश किया। It's been going on for a while, so I really thank the whole team, MARD, the entire team and the initiative and everyone who's come together for this. And I especially come from a place which is like very strong about women, like from the Northeast, our women are very stronger. But I have come to North India, I've studied there, I have felt this, that this was required. And so it's great that I know this is happening and I'm really happy to be part of something like this, and it's about time that people talk about this, and it's really a good initiative. अब जैसे कि म्यूजिशियंस म्यूजिक के थ्रू, कवि कविता के थ्रू बोल सकते हैं, एंड आर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है. किसी भी आप हिस्ट्री में टाइम में देखें तो आर्ट ही डॉक्यूमेंट करता है होता क्या आया है. तो ये ज़रूरी है कि ऐसे गाने बने, ऐसे गीत लिखे जाए, ऐसे पोएम्स लिखे जाए. और आज के हालांकि आज हमने एक गाना तो है, सब साथ करेंगे. वैसे इट्स जस्ट अ कॉज, क्योंकि एंटरटेनमेंट होता है तो लोग आते भी हैं देखने को, और उसी के ज़रिए बातें फैलती है, बातें कहा जाता है. जो तो आज की शाम थोड़ा एंटरटेनमेंट है, उसमें साथ के साथ ये जो इनिशिएटिव है उसके लिए हम सब साथ खड़े हैं, वो बहुत बड़ी बात है. और म्यूज़िक के थ्रू डेफिनेटली गाने बन सकते हैं और मैसेजेस पुट अक्रॉस किया जा सकता है. कॉन्सर्ट्स में भी काफ़ी धक्का बुक्की होती है, लड़कियों को मलज भी किया जाता है क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो इतना पता भी नहीं चलता. तो उसके बारे में आप किस तरह से कॉन्सर्ट्स में अवेयरनेस क्रिएट? एक्चुअली हाँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट पूछा गया है कि कॉन्सर्ट में भी लड़कियों को धक्का दिया जाता है, ये होता है. एक्चुअली जो मौका ढूंढते हैं वो हर जगह ढूंढते रहते हैं, तो प्रॉब्लम तो वो है. तो प्रॉब्लम इज एट होम. एक्चुअली आपका अपब्रिंगिंग क्या होता है, घर वाले क्या सिखाते हैं. अगर आप अपने बहन को वो ना करके कहीं बाहर कर सकते हो जाके, अपने बीवी को ना करके कहीं और, तो आप में गड़बड़ी है, आप में बीमारी है. वो तो बीमारी को ठीक करें. इसको कुछ ये आम प्रॉब्लम नहीं है, किसी का इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है. और ऐसे बहुत इंडिविजुअल हमारे देश में है, तो ये अवेयरनेस किया जा रहा है, बहुत दुख की बात है. ये एक्चुअली अवेयरनेस नहीं चाहिए था इसके लिए. अगर तुम इंसान हो, आप अगर घर पर ये नहीं कर सकते हो चीज़, तो बाहर कैसे किसी के साथ कर सकते हो. ये बहुत ही अजीब बात है. बट आई थिंक हम पीछे हैं इस मामले में, इंडिया भारत. तो इसको आगे हमें ले जाना है, ताकि हमारा सभ्यता जो इतने हजार करोड़ों साल पुराना है, वो जो खो चुका है उसको वापस लाने की ज़रूरत है. अच्छा साथी, क्योंकि अंदर तो आपके जो फैंस हैं वो आपको सुनेंगे ही, अवेयर होंगे ही, लेकिन कुछ और फैंस हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे जो गाना गाने के लिए मुझे आप घुमा फिरा की मतलब है ना. क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे. छोटा सा गा रहा हूँ, बाकी कॉन्सर्ट में देखिएगा. प्रियंका चोपड़ा और रणबीर जैसे चले थे नंगे पाँव, तो ऐसे लड़के लड़कियाँ खूब आराम से चले, धक्का मुक्का ना करें. ये मेरा मैसेज है. देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत हम लोग ने मर्दों ने परेशान किया है औरतों को, और मुझे लगता है किसी को तो ये आवाज़ उठा के बोलना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया. देखिए हम म्यूजिशियन हैं, कलाकार हैं, हमारा काम है म्यूज़िक बनाना, और मुझे लगता है कि हम हमारी तरह से जो कोशिश कर रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू से अवेयरनेस लाने की, अच्छा इनिशिएटिव है. दिस इज़ द ओनली वे वी नो हाउ टू रेज आर अवेयरनेस. पद्मावती के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ ही नहीं, तो जो भी हो रहा है वो हो रहा है. सॉरी, देखिए मुझे कुछ पता नहीं है पद्मावती के बारे में, क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ ही नहीं. बहुत मैं और सुलेमान इस कॉन्सर्ट के एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और कुछ साल पहले हमने फरहान अख्तर के साथ एक गाना किया था जिसका नाम था छूले आसमां, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था. और वो गाने के ज़रिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया, स्पेशली लेडीज़ को, कि वो ऑनलाइन आ जाए और वो इंटरनेट के माध्यम से
زندگی کو اور لائف کو اور ایکسیپٹ کریں اور جانکاری اور نالج ان کے پاس آئے. تو یہ مرد جو یہ آرگنائزیشن ہے, جو مرد کا فل فارم ہے مین اگینسٹ ریپ اینڈ ڈسکرمنیشن, یہ بہت ہی امپورٹنٹ موومنٹ ہے اور نربھائے کے درمیان اس کا فارمیشن ہوا تھا اور آج اس کو تقریباً 4 سال ہو گئے اور ہم اور یہ بڑھتے جا رہا ہے اور یہ آواز اٹھاتے جا رہا ہے اگینسٹ ویمن. آج کا جو کانسرٹ ہے وہ اس کا نام ہے للکار. یہ آواز ہے جو مرد عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, لیڈیز پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ویمن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو یا وہ سوشل وائلنس ہو. یہ چیز روکنی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی بھی ایک آدمی سے اگر بات کر کے یہ آواز اٹھا دے کہ پلیز عورتوں کے اوپر اتیاچار بند کر دے, تو ہمارا دیش کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور آپ میڈیا والے جو یہ فلم کر رہے ہیں, سبھی سے درخواست کرتا ہوں پلیز عورتوں کے اوپر وائلنس بند کر دیجیے. انف از انف. جی, میں یہی کہوں گا کہ اگر مرد اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے, اپنی عورتوں کو ریسپیکٹ کرنا شروع کر دے, اپنی بہنیں, اپنی ماں, اپنی بیٹیاں کی طرح, تو یہ دیش صحیح میں کہاں سے کہاں چلا جائے گا. آئی جسٹ ریکویسٹ. دیکھیے آج کا مدعا کچھ اور ہے, میں یہ مدعے کو ڈیفیوز ہونے نہیں دوں گا. میرے لیے آج کا مدعا یہ ہے کہ میں کیسے بھی کر کے اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں, اپنے فیلو لوگوں کو میں اگر یہ میسج دے سکوں کہ پلیز اتیاچار لیڈیز پر نہ کریں, تو میرے لیے بہت بڑا ہوگا. پدماوتی کا ایشو کچھ اور ہے, پر آج نہیں. جی, ویل آئی تھنک اٹس اے گریٹ کاز. جیسے وہ کہتے ہیں نا, بس بہت ہو گیا وائلنس اگینسٹ ویمن, انف از انف, وی کانٹ ہیو دس گوئنگ آن اینڈ آن, اینڈ امپاورمنٹ فار ویمن, دیٹس واٹ وی بلیو ان, دیٹس واٹ وی شوڈ آلویز گو فار, اینڈ آئی ٹیل ایوری بڈی فالو دس. یا تھینک یو. घेऊ तिथून ते देणार ना. डन डन, फोटो यहाँ पे रुके, बाइट्स के लिए प्लीज यहाँ पे. Let's have the in-ears on you. That's okay. Let's finish it. So how excited are you to perform tonight? We actually already performed and the excitement is even more now because the lineup is great, and I think at the end of it we're just so excited to be a part of such an amazing cause and an amazing event. You know how it is, Bombay mein ek to hardly shows hote hain, and we're getting to do a public show and that too for such a great cause. I think we couldn't be happier, and you know, to be a woman and to represent this even more proud cause. Today to be a lady and just to be one of the voices of the evening. I think it takes so much pride to be a part of this initiative. Thank you Canvas, thank you Farhan Akhtar, thank you Mard for having us here. We couldn't be happier. I think ladies are feeling really special tonight. It's our day, so, I think. Yeah. It's our day. So, would you like to sing two lines from whatever you have performed? From, I think we should sing something we didn't sing. I think you've just sung a song about ladki beautiful. I think tonight's all about the women and the ladkiyan. All right. Just go for it. ਅੰਡਾ ਮੇਰੇ ਚਮ ਚਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਏ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹੀਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀਆਂ
सारी कुड़ियां देसी चिड़ियां क्लब के मैं बुलबुल सी आई एम फीलिंग स्पेशल मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल And I think I'm going to be singing my latest song, Hawa Hawa. That also again is for women because the ladkiyan get to see kisi aur ko patale. So I think that's for girls to friend zone all the boys who act Shana. So I'm going to be singing that. Jaun lafange na ishq mein lafange feeling tu dil mein dabale. Oh Hawa Hawa, eh Hawa, mujhko udale. Aaja aaja, tu mere. दिल को चुरा ले इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही फंसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पटा ले मुझको फंसा ले नजरे तू हटा ले थैंक यू सो मच थैंक यू एनीथिंग एल्स Yes. So a lot of times, you know, we do a lot of public shows, corporate shows, some private events, weddings. So, you know, there are a lot of instances. Sometimes we have to be extra careful. And my entire team is full lady oriented. I have a lady manager and she's our bouncer. So it's a lot of fun. But of course, hum aise shows karte rahenge that constantly keep reminding us how special women are and how special do they need to be treated and guarded and I think the realization within men I think every day is increasing to respect yeah. women and to treat them just as equal so like I said very happy to be a part of this initiative and I hope you know we keep doing concerts obviously for the music but obviously but I think we have to give it up for everybody who's come in such big numbers tonight so it's just We feel really good to I be a part of I think even y'all are here to support the cause. Yeah. So I think usse badhkar, I think kuch ho nahi sakta. Yeah. So really happy to be here. Thank you. I think aane wale time mein jab hum parents banenge, to hamare parents ne hame achhi shiksha di hai, hame achhe sanskar diye hain. Ye sanskar hi hai ki dusro ki respect karna. To hame as parents jab hum kal ko parents banenge, hame bhi is cheez ki responsibility leni chahiye. मैंने एक पंजाबी गाना गाया है उसकी दो लाइंस गाऊंगी उसका मीनिंग पहले बता देती हूँ उसका मतलब है कि बेटियों का सत्कार करो उन्हें बेटों जैसे प्यार करो सो इट्स अ सोशल सॉन्ग जिसकी मैं दो लाइनें यहाँ गाऊंगी तिया दा सत्कार करो पुत्रा वांगो प्यार करो तिया दा सत्कार करो पुत्रा वांगो प्यार करो बड़ी सिंपल सी बात है कि बेटियों का भी सत्कार करो बेटों जैसे प्यार करो थैंक यू ये बड़ा मुश्किल काम वेलकम Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.